नमस्कार, शिवम वत्स नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों में उड़ान होती है। ये एक शायर की शायरी तो बहुत लोगों ने सुनी और पढ़ी होगी, पर एक 23 वर्षीय लड़का चेतन सकारिया ने इसे इस कदर अपनी जीवन में उतारा कि लोग अब इसकी तरह बनने की बात करने लगे हैं। जी हाँ, IPL का 14वां सीजन चल रहा है और राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है, लेकिन इस टीम का एक तेज गेंदबाज 23 वर्षीय चेतन सकारिया ने अपने परफॉर्मेंस के बदौलत हर किसी का नजर अपनी ओर खींचा है। आपको बता दें कि चेतन सकारिया की भी इस IPL में नीलामी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 120 करोड़ रुपए में खरीदी है। चेतन सकारिया की बोली पर RCB और राजस्थान रॉयल्स की टीम में बहुत ही टक्कर हुई थी। दोनों टीमों ने 20 बार इनके ऊपर बोली लगाई, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हें 120 करोड़ रुपए में अपने नाम कर लिया। राजस्थान की उम्मीद पे चेतन सकारिया खड़ा उतरे हैं और इस IPL में अब तक 5 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं, जिनमें से कि सिर्फ एक तेज गेंदबाज है, बाकी विकेट महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, मयंक अग्रवाल और KL राहुल जैसे धुरंधर बल्लेबाजों के हैं। शनिवार को राजस्थान और कोलकाता नाइट राइडर्स की मैच में चेतन सकारिया ने एक हैरत अंगेज कैच लेकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। चेतन का क्रिकेटर बनने का सफर बहुत ही मुश्किल रहा है। इनके पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं और ये जब क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे थे तब इनके पास जूते खरीदने तक का पैसा नहीं था। आपको बता दें, चेतन सकारिया अपने अंकल के दुकान पे काम करते थे और वहां से उन्होंने अपने क्रिकेटर बनने का सपना को पूरा किया। चेतन 2020 के IPL में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के नेट बॉलर बन के UAE गए थे। IPL में नीलामी के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चेतन सकारिया ने कहा कि जब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे तब उनके छोटे भाई का देहांत हो गया था। घर वालों ने इस बात को उनसे छुपा कर रखा था ताकि उनका परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, और जब वो अपने भाई की बात करते थे तो बता दिया जाता था कि वो कहीं बाहर गए हैं। उनका भाई आज होता तो उनके इस नाम, पहचान और रुतबे से बहुत खुश होता, पर उनका ना होना आज बहुत ही अफसोस की बात है। और भी क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पिलर लाइव। धन्यवाद।